अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मैं फैकल्टी हूँ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, और ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे आर्ट वर्क हो रहा है इस प्लाजा में, ये एक जॉइंट ये कोलैबोरेटिव वर्क है जो कि स्मार्ट सिटीज़ ने जो है इनिशिएट किया है, और उसके साथ IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी और हमारे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ने जो है इसमें कोलैबोरेट किया है। और जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने ये जो सारा आर्ट वर्क कर रहे हैं, ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और IUST के स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली जो स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम है, ये जो हमारी सिटीज़ को बेटर बनाने के लिए जो है उसके लिए स्टार्ट हुआ है। मतलब यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन द सिटी दैट विल मेक द लाइफ इन द सिटी बेटर, तो ये उसके लिए हुआ है। तो अब ये जो है ये इसमें छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम मतलब यू नो वी हैव इनिशिएटेड। इससे हमें ये लगा कि स्टूडेंट्स को कुछ एक्सपोजर मिलेगा और जो है वो अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर पाएंगे, बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट दैट। तो थैंक यू। My name is Sabrina Ashraf. I'm an architect and planner at Smart City, and this event is being organized in association with Mahua Smart City, and we have a collaboration with our knowledge partners are Islamic University and School of Architecture Gandharbal. So basically ye event India mein bahut sari cities mein ho raha hai, and they are trying to create places for people. So these are reclaimed spaces jahan pe ki लोगों के लिए जगह बना जाती है टू इनवाइट पीपल टू कम आउटसाइड टू सिट टू इंटरैक्ट, जो कि सोशल स्पेसेस की काफ़ी कमी होती है हमारे यहाँ पे। और जब इन ऐसे चीज़ों में ऐसे इवेंट्स में व्हेन पीपल पार्टिसिपेट दे ओन द प्लेस, सो एवरीबडी एक्चुअली रिस्पेक्ट्स एंड एक्चुअली गिव्स बैक टू द प्लेस। तो अगर इन बच्चों ने इसको आज पेंट किया है या इस पर कुछ काम कर रहे हैं वो लोग, तो कल को वो इसको आगे ख़राब नहीं करेंगे, बिकॉज ये उनकी मेहनत है। सो इट्स बेसिकली फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल। एक्चुअली फ़ायदा ये है कि लोग आएँ, देखें कि सिटी में हर कोई चीज़ सिर्फ ट्रैफिक में बंद ही नहीं है, देर आर स्पेसिस, देर आर प्लेसिस। बट स्मार्ट इज स्मार्ट डजंट मीन ऑलवेज टू बी IT स्मार्ट, इट मीन्स फॉर द पीपल, स्मार्ट इज़ फॉर पीपल। So this is for people and hence it is smart. Okay, thank you.